नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे क्वाड्रिलेटरल के, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और इसमें भी मेन जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखने वाले हैं इनके डायगोनल्स की। वैसे हम मैं तीनों के बारे में सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो सेम होती है, ओके? इसकी डायगोनल्स जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, सारे जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, और इसकी जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, कॉन्ग्रुएंट भी होती है बाइसेक्ट भी करती है, ओके? अब हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल दी साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके? चारों साइड जो कॉन्ग्रुएंट होती है उससे बनता है स्क्वायर। एक और बात, ऑल दी एंगल्स आर राइट एंगल्स, बोथ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और दोनों की दोनों जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, और साथ में वो दोनों डायगोनल एक जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको भी बाइसेक्ट करती है। तो इस तरह से जो रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों मैंने आपको इन दोनों की प्रॉपर्टीज बताई। आगे आते हैं रोम्बस पर। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की भी ऑल जो फोर साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो होता है रोम्बस, चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। लेकिन इसमें अभी तक हम जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखते हैं कि चारों के चारों एंगल जो है वो राइट एंगल है, लेकिन रोम्बस में वो नहीं होता। रोम्बस में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो डायगोनल्स होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होती है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है, ओके? लेकिन वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होती रोम्बस के केस में, ओके? तो इस तरह से रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपसे शेयर की। हालांकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पेज नंबर 68 पर देके रखी है, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए फर्स्ट थ्योरम हम करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमें देके रखा है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो रेक्टेंगल होते हैं उनके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमें यहां पर सिर्फ एक ही चीज यूज करना है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की और सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ डायगोनल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, हमें इनको, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, ओके? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन लिखे। क्या गिवन है हमें? इट इज गिवन दैट अ क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दीजिए इसको ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल है, ये हमें गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, लिखिए यहां पर टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है दैट डायगोनल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके? तो यहां लिखिए डायगोनल ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल ए सी और बी डी, दो डायगोनल है यहां पर, ठीक है? तो अब देखिए, हमने गिवन लिख लिया, हमने टू प्रूफ लिख लिया, हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ लिखिए यहां पर, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम थ्योरम होते हैं हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना होते हैं, तो यहां भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। एक ट्रायंगल हम एबीसी ले लेंगे, एक ले लेंगे बीसीडी ले लेंगे, एक एबीसी ले लेंगे और एक डीएबी ले लेंगे, ये वाला और ये वाला। उसमें क्या होगा, ये साइड अपोजिट साइड इक्वल आ जाएगी, दोनों के एक एक राइट एंगल इक्वल आ जाएंगे और ये साइड कॉमन आ जाएगी, तो दोनों साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे दोनों ट्राइंगल्स को, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उस तरह से उसको कर लेंगे। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके? यहां लिखिए प्रूफ में, लीजिए दो ट्राइंगल जो मैंने आपको बताया, एक ए ट्राइंगल एक ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डीसीबी, ओके? देखिए कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये दो साइड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखिए यहां पर
साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। उसके बाद ये जो है एंगल बी और सी, देखिए इस ट्राइंगल में एंगल बी और इस ट्राइंगल में एंगल सी, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ओके, व्हाई? बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। यहां लिखिए, रीजन लिखना तो लिख लीजिए, बोथ आर 90 डिग्री एंगल, और यहां भी आप रीजन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यहां रीजन लिखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स। देखिए ये साइड बता दी, ये एंगल बता दी, और ये साइड देखिए बीसी, ये एबीसी में भी है और डीसीबी में भी है, तो बीसी साइड दोनों में कॉमन है। यहां लिखिए साइड बीसी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बीसी, रीजन लिखिए कॉमन साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन व्हाट, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीसीबी, एबीसी और डीसीबी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ओके, तो हम यहां लिख लें कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जो हमें डायगनल बताना है, तो लिखिए यहां पर साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, सो दैट द डायगनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत सिंपल है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट। ओके, उसके बाद हम करते हैं अगला हमारा थ्योरम। आइए अगला थ्योरम करते हैं। यहां देखे रखा है डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो डायगनल्स जिस तरह से अभी हमने डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, बिल्कुल उसी तरह से करना है। यहां हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे हम, दैट क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ओके, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देखिए हमने उसमें लिखा था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी रेक्टेंगल, यहां पर क्या लिखना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। ओके, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं, हमें प्रूफ करना है दैट द डायगनल ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगनल बी डी। ओके, यहां हम अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए जिस तरह से हमने वहां पर किया था, प्रीवियस जो हमने अपना थ्योरम किया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, बिल्कुल यहां भी वही करना है, हम ये ट्राइंगल लेते हैं और ये ट्राइंगल लेते हैं। ओके, आपके मदद के लिए हम एक काम करते हैं, नाम भी उसी तरीके से लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस में लिया था, पहले वाले में लिया था ए बी सी डी, मतलब वो थ्योरम और इस थ्योरम में आपको कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं लगेगा। ओके, सारे एंगल हम कर ले राइट एंगल, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ओके, और ऑल दी साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, लिखिए यहां पर इन ट्राइंगल एबीसी, बिल्कुल उसी तरह से, एंड ट्राइंगल डीसीबी। ओके, क्या लिखेंगे, एबी और डीसी कॉन्ग्रुएंट, साइड एबी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डीसी या सीडी लिखिए, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद ये साइड हो गई, उसके बाद ये एंगल एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बिकॉज दे आर दी एंगल्स ऑफ द स्क्वायर एंड बोथ आर 90 डिग्री एंगल। ओके, रीजन अब मैं नहीं लिख रहा हूं, रीजन आप लिख लीजिए। और ये थर्ड साइड क्या देखे रखी है हमें, ये बीसी जो है दोनों में कॉमन है, साइड बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बीसी। ओके, और ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड, रीजन लिख लिया मैंने इसका। क्या होगा इससे, साइड एंगल साइड से ये क्या हुआ, साइड एंगल साइड से ये हो गया प्रूफ, सो दैट फ्रॉम साइड एंगल साइड ट्राइंगल एबीसी, फ्रॉम साइड एंगल साइड, यहां लिखिए पहले कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, ये लिखना जरूरी है, ट्राइंगल
ABC is congruent to triangle DCB. और अगर ये congruent हो गया तो हम लिख सकते हैं, हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, AC और BD साइड, AC congruent to साइड BD, बस इसी तरह से करना है, डिफिकल्ट नहीं है. ओके, आप लिखना चाहे तो टेक दिस स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला थ्योरम. आइए अगला थ्योरम करते हैं. ये हमें देख रखा है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, सबसे पहले रोम्बस बने ड्रॉ करके रखा है EFGH. ओके, इसके लिए मैं यहां पर इसको इक्वल साइड्स को बता दूं. ठीक, हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे सबसे पहले, जब हम लिखते हैं दैट इज गिवन, क्या है, क्वाड्रिलेटरल EFGH जो है वो है इज अ रोम्बस. ये रोम्बस हमें देके रखा है. ठीक है, अब हमें बताना क्या है, वी हैव टू शो दैट कि EG इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ HF एंड HF इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ EG. तो हम इसे लिखे यहां पर. ओके, टू प्रूव डायगोनल EG is perpendicular bisector of HF. ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमें प्रूफ करना है. और सेकंड पॉइंट इसमें क्या देके रखा है, इसमें सेकंड पॉइंट देके रखा है दैट डायगोनल HF is perpendicular bisector of EG. ओके, अब देखिए ये तो हमें दे दिया. यहां पर हमें काम करते हैं, सबसे पहले अब लिखते हैं आगे प्रूफ. हालांकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो थ्योरम है, ये आप ही को करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ऑलरेडी इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आपको सीधे थ्योरी इसमें लिखना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. यहां इन्होंने क्या करके रखा है कि ये दोनों को कॉन्ग्रेंट बता के रखा है, ये दोनों को कॉन्ग्रेंट बता के रखा है, इट इज ऑलरेडी गिवन. ओके, यहां आप लिखिए सेगमेंट EF कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट EH एंड सेगमेंट FG इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट HG. ये दोनों के दोनों हमें क्या करके रखे हैं, हमें ये, इट इज ऑलरेडी गिवन. ओके, तो एक बात देखिए, थोड़ा ध्यान से यहां पर देखिए कि ये दोनों पॉइंट, मैं इन दोनों पॉइंट को लेता हूं और इन दोनों पॉइंट से देखिए, यहां से ये H और F ये दोनों इक्विडिस्टेंस है और यहां से भी ये दोनों इक्विडिस्टेंस है. तो इस लाइन पे मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लू तो वो पॉइंट इक्विडिस्टेंस आते जाएंगे. और ऐसा करते 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 अगर मैं यहां आ गया तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. और ये तभी होता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में ही ऐसा होता है. ओके, तो क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है एवरी पॉइंट ऑन दिस सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट from H and F so that this EG is the perpendicular bisector of HF. ये डायरेक्ट थ्योरी लिखना है. और इसके बाद आपको सिमिलरली करके आगे लिखना है that HF is perpendicular bisector of EG. और सीधी बात है, अगर ये इसके ऊपर perpendicular है तो ये भी इसके ऊपर perpendicular होगा. okay, तो थ्योरी में हमें ये क्लियरली दे के रखा है. okay, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए. एवरी पॉइंट on this segment is equidistant from these two points so that it is a perpendicular bisector of HF पहले केस में, और बाद में similarly करके हमको इसके लिए लिख के लेना है. okay, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल एज इट इज उसको लिखना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ समझने वाली बात थी कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होगा. ओके, इसमें आगे इन्होंने देके रखा, राइट द प्रूफ्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेज नंबर 68 आपकी टेक्स्ट बुक में. इसमें पहला देके रखा कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. देखिए, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आपको बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर ड्रॉ करना है. सिर्फ इतना है कि ये जो एंगल जो बन रहे हैं ये राइट एंगल नहीं है, आपको स्क्वायर बना के आपको राइट एंगल के फॉर्म में लेना है और बिल्कुल एज इट इज लिख देना है. जैसा ये थ्योरम है बिल्कुल वैसा ही उसको लिखना है. आप चाहे तो नाम भी वही ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. ओके, उसके बाद अगला देख रहेगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स अपोजिट एंगल. इसके अपोजिट एंगल्स को वो बाइसेक्ट करते हैं तो हमें ये बताना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है.
ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये साइड का पूरा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। हम ये दो साइड को बता देंगे पहले कॉन्ग्रुएंट, ये दो साइड को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे और उसके बाद ये कॉमन साइड ले लेंगे, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये जो दो ट्राइंगल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और साइड एंगल साइड से एक बार वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, फिर हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। आप चाहे तो मैं इसका प्रूफ यहां पर डायरेक्टली आपको लिख दूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये कौन सा है, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट इट्स अपोजिट एंगल के लिए, जो सेकंड पॉइंट देके रखा है। तो यहां लिखिए, इस तरह से लिखिएगा, इन ट्राइंगल ई एफ जी एंड ट्राइंगल ई एच जी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, बताइए कौन सी साइड इक्वल है, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ई एफ कॉन्ग्रेंट टू ई एच, साइड EF congruent to side EH, ओके, ये इसके congruent है। उसके बाद साइड FG congruent to HG, साइड FG congruent to side HG, ओके। उसके बाद यहां पर ये जो साइड है EG, ये दोनों ट्राइंगल में इधर भी है और इधर भी है, ओके, यहां लिखिए साइड ईजी कॉन्ग्रेंट टू साइड ईजी, कॉमन साइड है, तो हम यह लिख सकते हैं फ्रॉम साइड, तीनों की तीनों साइड है, इसको साइड कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन क्या, वी कैन राइट हियर ट्राइंगल EFG is congruent to triangle EHG, और फिर उसके बाद हम इन दोनों एंगल्स को और इन दोनों एंगल्स को congruent लिखिए, यहां पर नाम लिखिए इसका, पहला लिखिए FEG एंगल FEG is congruent to, ये देखिए ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो एच ई जी के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, रीजन लिख दीजिए उसका। और अगला वाला ये वाला लिख लीजिए एफ जी ई इज कॉन्ग्रेंट टू, देखिए ये वाला लिखा है आपने तो आपको ये लिखना है एफ जी ई, लिख दिए तो एच जी ई लिखिए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो डायगोनल होती है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो मैंने यहां पर इनको बता दिया। अब आप उसी तरह से आपको जब इनको बताना होगा तो आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिखेंगे और फिर बाद में बता देंगे, लेकिन इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती। आगे आप यहां पर लिख सकते हैं कि सिमिलरली करके आप डायरेक्ट ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट लिख दो और ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट लिख दो। तो इस तरह से इसको करना है। उसमें थर्ड वाला देके रखा है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट एंगल, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये बताया, वैसे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर। मतलब वहां पर देखिए कुल मिला के 1, 2, 3 एक फर्स्ट थ्योरम सॉल्व करके दिया था आपकी टेक्स्ट बुक में, सेकंड वाला जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट वाला पूछा था आपसे तो वो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता दिया, थर्ड वाला भी सॉल्व करके दिया है, और बचे हुए तीन जो थे उनके प्रूफ लिखने को कहा था उसमें से मैंने एक का प्रूफ आपको बता दिया। ओके, इजीली आप कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है आस्क मी, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। ओके, अपने प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पेज नंबर 68 पे देके रखे वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, डायगोनल से रिलेटेड है। उसमें फर्स्ट देके रखा है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट, ओके, एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आगे है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स देके रखे हैं। आगे देके रखा है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल्स को। उसी तरह से जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो
डायगोनल्स होती है वो भी अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इस तरह से सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट ध्यान से पढ़िए और वो आप पूरे ध्यान में रखिए। मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूं और उसके बाद हम आगे आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 5.3 पर। आइए प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी। एबीसीडी एक डायगोनल हमें रेक्टेंगल देके रखा है, ओके और क्या बोल के रखा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये देखिए दोनों डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ हमें देके रखी है 8 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड बीओ, ओके और आगे देके रखा है इफ सीएडी, सीएडी मींस हमें ये पूरा ये वाला एंगल देके रखा है, लेट मी हाईलाइट इट, ये एंगल है, ये है 35 डिग्री का, ओके क्या बोलता है आगे, देन फाइंड एसीबी, एसीबी हमें ये एंगल निकालना है, ओके तो एक काम करते हैं सबसे पहले यहां लिख लें आप। देखिए एक चीज इसमें समझ लीजिए कि मैं जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं तो मैं कई बार आपको गिवन लिखने लगाता हूं, टू फाइंड लिखने लगाता हूं, सॉल्यूशन लिखता हूं, आपके ऊपर है आप गिवन लिखना चाहते हैं फाइंड लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो भी चलेगा। मैं सिर्फ इसलिए लिखना बताता हूं आपको कि क्या होता है कि जब आप ये चीजें तरीके से लिखते हैं तो जो पर्सन बैठा है एग्जामिनर पेपर चेक करने के लिए उसको आपका जो सिस्टम समझ में आता है कि ये बंदा जो लिखने वाला है बहुत प्रॉपरली चल रहा है और वो मतलब आप सामने वाले को एक चांस मत दीजिए कि आपका कोई मार्क कट कर दे, ओके तो यहां आपको गिवन लिखना है, गिवन आप लिख सकते हैं दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो क्या है, वो रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ये चीज तो ऑलरेडी गिवन है। आगे इसमें देके रखा है कि एसी की लेंथ हमें देके रखी है 8 सेंटीमीटर और क्या देके रखा है, एंगल सीएडी देके रखा है दैट इज 35 डिग्री, ये दो चीजें हमें देके रखी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, क्या हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है, हमें क्या इसमें से आउटपुट निकलने वाला, हमें निकालना है बीओ, हमें बीओ फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है एंगल एसीबी, ये दो चीजें हमें पता करनी है, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, ओके देखिए सबसे पहले समझ लीजिए हमें दिया है एसी, हमें निकालना है बीओ, एसी दिया है बीओ निकालना है, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। तो एसी से हमें बीओ निकालना है तो एक समझ लीजिए कि एसी और बीडी तो कॉन्ग्रेंट होंगी बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो ये जितनी एसी की लेंथ होगी उतनी ही बीडी की लेंथ भी होगी और बीडी की लेंथ अगर हमें मिल जाती है तो ये पार्ट बीडी का हाफ होगा, व्हाई बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके तो 4 का 8 का हाफ हो जाएगा 4, तो बीओ आपको 4 मिलने वाला है, ओके यहां लिखिए इन रेक्टेंगल एबीसीडी व्हाट एसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहां लिखिए एसी इज कॉन्ग्रेंट टू बीडी, रीजन लिखिए डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, ओके अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा कि एसी और बीडी ये दोनों के दोनों है 8 सेंटीमीटर, ओके हमें क्या मिल गया, यहां हमें मिल गया कि बीडी कितना है 8 सेंटीमीटर, बीओ जो है वो बीडी का हाफ है तो यहां लिखिए बीओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, रीजन लिखिए डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां लिखेंगे बीओ इज इक्वल टू हाफ, तो एज इट इज बीडी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बीओ हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर, ये हमने पहला वाला जो आंसर है बीओ निकाल लिया।
अब सेकंड कंडीशन में हमें निकालना है, हमें सी ए डी देके रखा है, सी ए डी ये एंगल देके रखा है, यहां लिखिए नाउ एंगल सी ए डी इज गिवन दैट इज 35 डिग्री, सी ए डी ये 35 है, हमें ये निकालना है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है एक बात समझिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, सॉरी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो अगर ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल होगी, देखिए जेड बन रहा है तो ये 35 तो ये भी 35, यहां लिखिए इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके तो क्या होगा, सो दैट एडी पैरेलल टू बीसी है एंड एसी इज ट्रांसवर्सल, एसी इज ट्रांसवर्सल, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट सी ए डी, ओके यहां लिखिए एंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो फिर उनके सी ए डी इक्वल टू सी ए बी ए सी बी आ जाएगा, और दोनों के दोनों कितने के हो जाएंगे 35 के। यहां आपको रीजन लिखना है दे आर द अल्टरनेट एंगल, ओके दे आर अल्टरनेट एंगल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉन्ग्रेंट, ओके तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ यहां से लिखना चाहे सॉल्यूशन तो भी चलेगा, और अगर आप ये दो चीज बढ़ा देते हैं तो ये होगा कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा दिखेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ओके आइए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका स्नैपशॉट लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहां हमें सेकंड क्वेश्चन देके रखा है इन रोम्बस PQRS इफ PQ इज 7.5 देन पॉइंट QR, मतलब एक हमें PQ देके रखा, मतलब एक साइड देके रखी है, हमें QR निकालनी है, ओके तो एक साइड है तो रोम्बस की तो चारों साइड कॉन्ग्रेंट होती है, तो हम इसको ये जो होगा QR ये 7.5 ही आएगा। आगे देखे रखा है एंगल QPS इज 75 डिग्री, ओके QPS दिया, देखिए इसीलिए मैंने यहां पर एक नाम नहीं लिखे, why I did not mention the names here, because see here QPS is 75 means angle P जो है वो 75 है, यहां ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एक्यूट है, इन दोनों में से किसी एक को आप P दे सकते हैं, ओके आप इसे P दे दीजिए या इसे भी लिख सकते हैं, तो यहां अगर मैं P लिखता हूं तो ये होगा PQRS। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब हम रफ फिगर भी बनाते हैं तो दैट शुड बी एग्जैक्ट एक्यूरेट, वहां पर अगर मैं इसे पी लिख देता और वो 75 डिग्री होता तो फिर वो समझने वाली बात है, वो दिख रहा है हमें ऑब्ट्यूज और हम उसे लिख रहे हैं 75 डिग्री, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके इसे लिख लीजिए QPS ये कितना है, ये 75 डिग्री है, ओके तो एक तो हमें ये मिल गया, और हमें क्या देके रखा है यहां पर स्टार्टिंग से मैं बताता हूं आपको, इन रोम्बस PQR इज इफ PQ इज इक्वल टू 7.5, ये जो PQ है ये 7.5 है, ओके 7.5 सेंटीमीटर देके रखा है, ठीक है कोई सेंटीमीटर नहीं है सिर्फ 7.5 है, ओके अब देखिए यहां हमें क्या पता करना, देन फाइंड द मेजर ऑफ PQR, PQR का मेजर निकालना है और SRQ का मेजर निकालना है, SRQ का मेजर निकालना है, मतलब एक एंगल आपको ये निकालना है कि ये निकालना है, दो एंगल हमें निकालने हैं, एक काम करता हूं मैं दोनों एंगल्स को हाईलाइट कर देता हूं, PQR निकालना है ओके और SRQ निकालना है, SRQ ये भी निकालना है ओके, उसको हम अलग कलर में बता दें, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक। अब यहां देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको गिवन लिखना है, तो गिवन आप खुद लिख लीजिए कि PQRS इज अ रोम्बस, ओके PQ इज इक्वल टू 7.5 एंड एंगल QPS जो है वो 75 डिग्री का है। उसके बाद में व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू राइट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, तो यहां हमें क्या क्या फाइंड करना है, आप चाहे तो मैं लिख देता हूं, हमें QS फाइंड करना है, सॉरी QR फाइंड करना है, और ये दो एंगल फाइंड करना है, एंगल PQR एंड एंगल SRQ, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके यहां लिखिए सॉल्यूशन, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, चार
तीन फिगर देके रखे उसी के ऊपर है, तो एक एक फिगर पर एक एक क्वेश्चन या दो दो, एक या दो क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो आपको करना यह है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद के भी तैयार करने हैं। आपके फ्रेंड्स को कुछ क्वेश्चंस बना के दीजिए और उससे सॉल्व करवाइए और उसे बोलिए कि आपको कुछ क्वेश्चन दे, ओके। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको कुछ वर्कशीट दूं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आने वाले वीडियोस में आपको उस तरह से आपके लिए मैं पीडीएफ वर्जन डालते रहूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। सॉल्यूशन देके रखा है हमें, सॉल्यूशन करना है, सॉरी लिखिए यहां पर इन रोमबस PQRS, व्हाट वी हैव गिवन PQ, PQ हमें देके रखा है, PQ कितना है 7.5, हमें निकालना है QR, हमें QR निकालना है, ओके। राइट हियर PQ इज कॉन्ग्रेंट टू QR, व्हाई साइड्स ऑफ ऑल साइड्स लिखना चाहिए, ऑल साइड्स ऑफ रोमबस आर कॉन्ग्रेंट, ओके। सारी की सारी साइड जो होती है वो कॉन्ग्रेंट होती है, यहां पर ऑल साइड लिखिए, ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ रोमबस आर कॉन्ग्रेंट, तो क्या होगा, यहां लिखिए आप PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 7.5, तो QR कितना हो गया, ये भी हो गया 7.5। हमें अब निकालना है ये एंगल और ये एंगल, PQR निकालना है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं, ओके। PQR आपको निकालना है, एंगल QPS हमें देके रखा है, QPS हमें देके रखा है दैट इज 75, ओके। ये दोनों एंगल में रिलेशन क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, एंड द एडजेसेंट एंगल ऑफ रोमबस आर सप्लीमेंट्री, यहां लिखिए एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोमबस आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं तो सप्लीमेंट्री, ओके। अगर वो सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि आप यहां दोनों का प्लस कीजिए और उसको 180 के इक्वल लिखिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो उनका सम 180 का होता है, तो यहां लिखिए एंगल QPS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर QPS की वैल्यू हमारे पास है 75 डिग्री, तो 75 लिखिए इसको, ओके, प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें निकालना है PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 75, ओके, तो एंगल PQR क्या हो गया, एंगल PQR हो गया दैट इज 75 से माइनस कीजिए 105 डिग्री, एक एंगल हमारा निकल गया। देखिए पहले हमें निकालना था QR, मैं यहां पर QR एक बार फिर से लिख लूं, लिखना चाहिए था क्योंकि हमें QR फाइंड करना है, QR निकाल लिया हमने, PQR निकाल लिया, हमें अब निकालना है SRQ, ओके, SRQ निकालना है, SRQ जो है वो अपोजिट एंगल है इस एंगल P का, ओके, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं रोमबस में, यहां लिखिए नाउ अपोजिट एंगल्स ऑफ रोमबस आर कॉन्ग्रेंट, अगर अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कैन यू राइट एंगल QPS, एंगल QPS इज इक्वल टू SRQ, ये कॉन्ग्रेंट लिख लीजिए पहले और अगली स्टेप में उसको लिखिए QPS इज इक्वल टू SRQ, और QPS कितने का था, 75 का था, तो ये SRQ कितने का हो जाएगा, एंगल SRQ हो जाएगा 75 का। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, और मैं नहीं सोचता इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, सिर्फ ये होता है कि जब हम देखते हैं, जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं या प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, तो थोड़ा सा डर, ये ज्योमेट्री का है ना एक फीलिंग लोगों ने जनरेट करके रखा है, इसमें हमारे कुछ भाइयों का ही हाथ है कि जो बच्चों को बताते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आप एक बार समझिए, तरीके से कीजिए और फिर आपको मार्क्स ही मार्क्स मिलते रहेंगे, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, आपका कोई मार्क कम नहीं होने वाला, ओके। चलिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यहां देखिए रखा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर IJKL,
इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, देखिये आई जे के एल एक रेक्टेंगल है, ओके तो सॉरी स्क्वायर है, और इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके फाइंड द मेजर्स ऑफ आई एम जे. एक हमें ये निकालना है, हमें जो जो निकालना है उसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं. एक हमें ये निकालना है, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, जे आई के हमें ये भी निकालना है, और तीसरा एल जे के हमें ये भी निकालना है, ठीक है. अब एक बात समझ लीजिए, यहां हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं स्क्वायर की. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर? द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर फॉर द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ईच अदर. तो ये एंगल आएगा 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर बायसेक्टर है. और अगला प्रॉपर्टी क्या है, दैट डायगोनल्स दे बायसेक्ट द अपोजिट एंगल्स. तो अपोजिट एंगल को बायसेक्ट कर देती है, ये इसको बायसेक्ट कर देती है. 90 का है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 90 का है तो ये भी 45 हो जाएगा. ओके तो बहुत सिंपल है, ये दोनों 45 आने वाले हैं और ये 90 आने वाला है, मतलब हमें आंसर पहले ही पता है. अब हमें सिर्फ उसको अरेंज करना है कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके यहां लिखिए सॉल्यूशन. अब आप यहां पर गिवन और वो आप खुद लिख लीजिए, ठीक है. सॉल्यूशन में लिखिए इन स्क्वायर आई जे के एल क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. तो क्या हम लिख सकते हैं दैट दिस एंगल, एंगल आई एम जे इज 90 डिग्री. एंगल आई एम जे इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. खत्म हो गई बात. ओके आगे आते हैं, यहां लिखिए, ये पहला रूल हो गया. तो हमने पहली चीज निकाल ली. दूसरा क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट दी अपोजिट एंगल्स. जो अपोजिट एंगल्स होती है उसको डायगोनल बाइसेक्ट करती है. भाई ये दोनों को बाइसेक्ट करेगी, तो हम अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, पहले हम एक काम करते, कौन सा देख रखा है, जे आई के देख रखा है, जे आई के हम पहले इसकी बात करें. एंगल आई जो है वो कितने का है, 90 का है. तो एंगल आई जे के क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल आई होगा, और हाफ ऑफ एंगल आई मतलब कि हाफ इंटू 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये कितना आ गया, ये 45 डिग्री आ गया. एंगल आई जे के ये 45 आ गया. उसी तरह से आप इसके लिए भी वही प्रॉपर्टी लिखेंगे. यहां लिखिए सिमिलरली, कौन सा एंगल है लास्ट वाला, एल जे के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जे. तो हाफ ऑफ एंगल जे कितना, हाफ एंगल जे कितने का, राइट एंगल का है, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर ऑफ आर राइट एंगल्स. ये हो गया 45 डिग्री एंगल एल जे के. तो हमें निकालना था आई एम जे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा. बस बहुत सिंपल था. अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सीधा डायग्राम आपके लिए बना के रखा है. यहां हमें इस क्वेश्चन में देखे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 20 एंड 21 एंड वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस. हमें रोम्बस की साइड निकालनी है. अब एक बात समझ लीजिए कि जो डायगोनल्स होती है इसमें छोटी वाली कौन सी, ये छोटी वाली है या ये बड़ी वाली, बताइए. ये छोटी है, ये 20 है. अगर ये 20 है तो ये पार्ट 10 होगा और ये पार्ट भी 10 होगा, ओके. और अगर ये 21 है तो फिर ये जो पार्ट है वो 21/2 में 10.5 होगा और ये पार्ट भी 10.5 होगा. अब इसके लिए कि जो डायगोनल्स होती है रोम्बस की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हमें निकालना है साइड. तो कोई भी हम एक साइड ट्राइंगल ले ले और साइड निकाल ले. इसका आप पहले नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी यहां दीजिए ओ. ओके ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी हम यहां पर सॉल्यूशन में तरीके से लिख लें. ओके सॉल्यूशन में लिखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रोम्बस. अगर ये रोम्बस है तो एसी कितना है, एसी देख के रखा है 21 सेंटीमीटर, बीडी देख के रखा है
20 सेंटीमीटर. ओके, क्या बोलता है, वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस. यहां लिखिए AO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD. रीजन लिखिए यहां पर, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो AO की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, AO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. AC कितना है, 21 है, तो AO आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, OD हमें निकालना है, हाफ ऑफ BD कितना है, BD है 20, तो OD कितना आ जाएगा, OD आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. दो हमें मिल गए. ओके, यहां अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल AOD की. इन ट्रायंगल AOD, AO इज परपेंडिकुलर ऑन OD, लिखिए यहां पर AO इज परपेंडिकुलर ऑन OD बिकॉज डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक, तो यहां लिखेंगे सो दैट ट्राइंगल AOD इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां फिर लिखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम. अगर ये राइट एंगल है तो किस पे राइट एंगल है, एओडी. एंगल एओडी जो है वो 90 डिग्री का है. ओके, ये बात ध्यान रखिए. तो अब हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर. एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर. ओके, एओ कितना है, एओ है 10.5 प्लस ओडी कितना है 10 स्क्वायर. आप चाहे तो 10.5 को ऐसा लिख लें 105 अपॉन 10 होल स्क्वायर. सिंपल करने के लिए ये तो हो जाएगा 105 का स्क्वायर क्या आता है, वो आता है AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 105 का स्क्वायर 110 25 अपॉन 100 प्लस ये 100. AD स्क्वायर क्या आएगा, AD स्क्वायर आएगा 11025 प्लस ये हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10,000 अपॉन में 100. ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, AD स्क्वायर दोनों को प्लस कीजिए, 1 और 1 हो गया 21025 अपॉन 100. ये 21025 किसका स्क्वायर है, ये काम कीजिए, इट्स ओके, इसको लिखिए 145 का स्क्वायर. ये 145 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है. अगर आपको पता करना है कि भाई कैसे है तो फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर. ओके, तो ये आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी AD इज इक्वल टू 145 अपॉन 10, तो AD की वैल्यू आ गई 14.5 सेंटीमीटर. सो ऑल साइड्स, अभी AD आ गया, सारी साइड निकालनी है, तो ऑल दी साइड्स ऑफ द रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, तो सारी की सारी जो साइड्स होगी वो 14.5 सेंटीमीटर होगी. इस तरह से इसको करना था. अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. आइए अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन देखे रखा ट्रू फॉल्स, बहुत सिंपल सा है लेकिन वहां आपको रीजन देना है. ओके, तो इसके लिए मैंने यहां लिख के रखे हैं सारे पॉइंट्स, और वो सारे के सारे जो आंसर होंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते जाएंगे जो भी मैं आंसर आपको बताते जाऊंगा. पहला वाला देखे रखा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. देखिए रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. ये हो गया फॉल्स, ये है इसका आंसर है फॉल्स. ओके, तो इसका आप रीजन क्या लिखेंगे दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट सो दैट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस.
ओके, तो पहले का आंसर आप इस तरह से लिख लीजिए जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सेकंड वाला देके रखा है एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। देखिए रोम्बस जो होता है उसमें अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन वो जो एंगल होते हैं रोम्बस के दे आर नॉट राइट एंगल, और रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो रोम्बस जो होगा एवरी रोम्बस इज नॉट अ रेक्टेंगल, जो जितने भी रोम्बस है वो रेक्टेंगल नहीं होते। ओके, तो रीजन आप क्या लिखेंगे दैट इन अ रोम्बस द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ओके, एंड इन अ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, सो दैट एवरी रोम्बस इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो ये जो है सेकंड वाला ये भी है फॉल्स, इसको भी आप लिख लीजिए फॉल्स। ओके, अगला देके रखा है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एक हर रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है, होता है बताइए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल, और पैरेललोग्राम में भी वही होता है। ओके, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल 90-90 के होते तो वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया भाई ट्रू, आप इसको लिख लीजिए ट्रू। ठीक है, तो आप रीजन क्या लिखेंगे दैट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड अपोजिट एंगल आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, सिमिलरली इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, अगला जो देके रखा है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। यस, व्हाई? देखिए अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है। ओके, तो यहां स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है, वैसे स्क्वायर की तो चारों साइड कॉन्ग्रेंट होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात करें तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90, स्क्वायर के भी सारे एंगल 90, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, आप रीजन लिखेंगे दैट अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल, ओके, एंड ऑल एंगल्स आर 90 राइट एंगल्स, सिमिलरली इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। वो पैरेलल वाली लाइन आपने नहीं लिखी तो भी चलेगा। ओके, अगर आप सिर्फ ऐसा लिखते हैं कि इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सिमिलरली इन रेक्टेंगल ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड ऑल एंगल्स आर राइट, सो दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ओके, पैरेलल वाला पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। आगे देखे रखा है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल। ओके, इक्वल बोलिए कॉन्ग्रेंट बोलिए। रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ओके, सो दैट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये जो देके रखा है ये भी है ट्रू। तो आप यहां पर लिखिए, इसका रीजन लिखिए दैट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, सिमिलरली इन रोम्बस ऑल्सो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, अगला देके रखा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल है, सारे एंगल 90 है, पैरेललोग्राम में होता है वैसा, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, लेकिन सारे एंगल 90 के होते हैं नहीं होते। ओके, तो यहां रीजन क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, बट इन रेक्टेंगल ऑल दी साइड अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड अपोजिट एंगल्स आर राइट एंगल, दे आर कॉन्ग्रेंट बट दे आर राइट एंगल। ओके, और ये चीज यहां पर मैच नहीं करती है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट होगा ये होगा फॉल्स। ओके, तो इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहें तो टेक दिस स्नैपशॉट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचे, बस मैं इतना चाहता हूं, आपको बस मेरी इतनी ही मदद करनी है कि ये चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे, और ये इस तरह से ग्रो कर रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ओके, आने वाले टाइम में मैं जल्दी ही 10K वीडियोस अपलोड करूंगा, हो सकता है कि मैं एक इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो जल्दी ही बनाऊं, मेरे पास एक्चुअली चीजें आ गई हैं, बट आई एम वेटिंग कि मार्केट में बुक आए, क्योंकि उसके पहले अगर मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।